हेलो टेनिस, मैं शैलेंद्र कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ थ्योरी का लेसन नंबर 2, मापन एवं विभिन्न मापी औजार। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको लंबाई मापने वाले यंत्रों के बारे में बताया था, अब हम कोण मापने वाले यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 2, कोण मापने वाले यंत्र, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिटर को समय समय पर कोण मापने की भी आवश्यकता रहती है, जिसके लिए वह निम्न यंत्र प्रयोग करता है। इसमें हम पहले बात करेंगे ट्राई स्क्वायर की। देखिए, ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग किसी जॉब को 90 डिग्री के कोण में चेक करने के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे ट्राई स्क्वायर के मटेरियल की। इसका जो मटेरियल होता है, ब्लेड हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसका स्टॉक कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ये इधर चित्र में बना रखा है। ये इसका क्या है, ब्लेड स्टॉक, और ये इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। जो इसका ब्लेड होता है हाई कार्बन स्टील का बनाकर हार्ड व टेम्पर किया जाता है। कहीं कहीं पूछ लेता है कि ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किसका बना होता है, स्टील का भी दे देते हैं, ठीक है। और जो इसका स्टॉक होता है वो किसका बनाया होता है, कास्ट आयरन का। अब बात करेंगे हम ट्राई स्क्वायर के साइज के बारे में। इसका जो साइज है, ब्लेड के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम छोर तक जो है इसका साइज दिया जाता है। साइज के अनुसार ये 100 mm से 300 mm तक पाए जाते हैं। जो इसका ये ब्लेड है, ब्लेड के अंदरूनी सिरा, जो इसका अंदरूनी सिरा जो स्टॉक में होता है उसके अंतिम छोर तक लिया जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड टाइप ट्राई स्क्वायर और नंबर 2 एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। मैं आपको ट्राई स्क्वायर दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ट्राई स्क्वायर है, ये देख रहा है आपको, ये मेरे पास ट्राई स्क्वायर है। ये क्या हो गया, इसका ब्लेड और ये इसका स्टॉक, ठीक है। और ये जो इसका एंगल होता है, ये वाला कितने डिग्री होता है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बनेगा ये वाला कितना होता है, ये 90 डिग्री का इसका एंगल होता है, 90 डिग्री इसका ये एंगल होता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर में जो एक कट का निशान होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो ट्राई स्क्वायर में कट का निशान होता है ये किस लिए दिया जाता है। तो ये ट्राई स्क्वायर में जो कट का निशान जो दिया जाता है, ये जॉब में आई बल को स्थान देने के लिए इसमें कट का निशान दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इसमें बेवल स्क्वायर। देखिए, बेवल स्क्वायर क्या होता है, इसे 0 से 180 डिग्री तक किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतर बेल्डन के किनारों पर बने बेवल जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारा कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर। अधिक अनियमित सतहों के कोणों को मापने के लिए कॉम्बिनेशन बेवल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारा कॉम्बिनेशन सेट। देखिए, कॉम्बिनेशन सेट जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। इसका साइज स्टील रूल की लंबाई के द्वारा दिया जाता है। बहुत पूछता है कि स्टील कॉम्बिनेशन सेट का साइज कहाँ से दिया जाता है, इसका साइज स्टील रूल की लंबाई के द्वारा दिया जाता है। जो इसके 3 भाग हैं, नंबर 1 आता है इसका स्क्वायर हेड। जो इसका स्क्वायर हेड होता है प्रायः कास्ट स्टील से बनाया जाता है। इसकी एक साइड पर 90 डिग्री व दूसरी साइड पर 45 डिग्री का कोण मापती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें हमारा प्रोटेक्टर हेड। जो हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है, इसमें एक डिस्क होती है जिस पर 0 से 180 डिग्री के निशान बने होते हैं। नंबर 3, सेंटर हेड। जो सेंटर हेड होता है, सेंटर हेड वी आकार का होता है। इसका कोण 90 डिग्री होता है। जो सेंटर हेड का यूज़ किया जाता है वो वृत्ताकार जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि वृत्ताकार जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने कोण मापने वाले यंत्रों के बारे में पढ़ा, अब हम नंबर 3 की बात करेंगे, तुलना करने वाले यंत्र, ठीक है, कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट।
इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कैलिपर। देखिए कैलिपर्स की, कैलिपर्स क्या होते हैं, यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व व्यास आदि को मापने के लिए किया जाता है। जो हमारा कैलिपर्स होता है, कैलिपर का मटेरियल जो होता है, कैलिपर का मटेरियल किस धातु का बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से इसको बनाया जाता है। ठीक है, जो हाई कार्बन स्टील का बना होगा इसे हार्ड व टेम्पर किया जाता है, जो माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं उनको केस हार्ड किया जाता है। और जो इसका साइज है, कैलिपर का जो साइज है वो पिवट पिन या रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है, पिवट पिन या रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। अब हम बात करेंगे जॉइंट के अनुसार जो हमारे कैलिपर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे दो निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं जॉइंट के आधार पर, नंबर एक फर्म जॉइंट कैलिपर, नंबर टू स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है, अगर जॉइंट के अनुसार आपसे पूछता है तो दो प्रकार के, फर्म जॉइंट कैलिपर और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। अब टाइप्स ऑफ कैलिपर प्रायः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब टाइप्स के अनुसार कैलिपर हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, नंबर वन आता है इसमें आउटसाइड कैलिपर्स, नंबर टू इनसाइड कैलिपर, नंबर थ्री जैनी कैलिपर। जो हमारा जैनी कैलिपर होता है उसके और अन्य नाम ओल्ड लैग कैलिपर, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जैनी कैलिपर का अन्य क्या नाम है, ओल्ड लैग कैलिपर या हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। नंबर वन इसमें आता है हमारा आउटसाइड कैलिपर। देखिए आउटसाइड कैलिपर क्या है, आउटसाइड से पता चला होगा, यानी कि आउटसाइड यानी कि किसी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। बहुत पूछा जाता है कि किसी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, आउटसाइड कैलिपर, यानी कि आउटसाइड कैलिपर यानी कि बाहरी माप लेने के लिए। अब नंबर टू आता है हमारा इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, इनसाइड से ही पता चला होगा, इन मीन्स क्या होता है, अंदर, किसी जॉब की अंदरूनी माप लेने, जैसे किसी बोर का व्यास, किसी झिर्री ब्रैकेट में ग्रूव की चौड़ाई आदि के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। नंबर थ्री आता है हमारा इसमें हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। इस कैलिपर की एक टांग अंदर की ओर मुड़ी रहती है तथा दूसरी नोकदार होती है। इस टांग की सहायता से समांतर लाइन या किसी गोल शाफ्ट के फेस पर उसका सेंटर मालूम किया जा सकता है। इसको जैनी कैलिपर्स या ओल्ड लैग कैलिपर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिवाइडर की। जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग स्टील रूल से निशान, कोई निश्चित माप ब्रैकेट बराबर माप लेने तथा किसी जॉब पर व्रत या चाप लगाने के लिए भी किया जाता है। और जो डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर और ये कैलिपर, इनका जो साइज होता है वो 100, 150 या 200 mm तक इसका साइज होता है। अभी मैंने आपको जॉइंट के अनुसार डिवाइडर के बारे में बताया था, दो प्रकार के, फर्म जॉइंट कैलिपर और आउट और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। देखिए फर्म जॉइंट कैलिपर क्या होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक आउटसाइड कैलिपर है, ये देखिए, ये आउटसाइड कैलिपर है। इसमें जो ये जोड़ लगा रखा है, ये कौन सा है, फर्म जॉइंट। ये रिवेट और बारसर के द्वारा क्या किया गया इसको ये जोड़ा गया है। तो ये कौन सा है मेरे पास, फर्म जॉइंट कैलिपर। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ये जो इसको जोड़ा गया है, एक स्प्रिंग के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये कौन सा है मेरे पास, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले आउटसाइड कैलिपर के बारे में। ये देखिए, ये मेरे पास कैलिपर है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। ये कौन सा कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर यानी कि ये देखिए, इसकी लेग किधर की मुड़ी हुई है, अंदर को मुड़ी हुई है। तो ये कौन सा कैलिपर है हमारे पास, आउटसाइड कैलिपर। ये मेरे पास एक जॉब है। अब इस आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी जॉब का बाहरी माप लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आउटसाइड कैलिपर का। जैसे ये जॉब है, अब मैं इस जॉब की माप लूँगा, तो कौन सी माप लूँगा मैं इसके द्वारा, बाह्य माप। ये देखिए, ये इस तरीके से मैं क्या ले लूँगा, इसकी बाह्य माप लूँगा। ठीक है, ये ले ली मैंने, इसमें भर ली ये माप इसकी। अब मैं इसको कैसे मापूंगा, इसको एक स्टील रूल की सहायता से क्या लूँगा, इसको मेज़र करूँगा। ये देखिए, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको स्टील रूल पर रख करके ये
इसको मैं मेज़र कर लूँगा कितना आया मेरे पास, 35 mm आ गया। ठीक है, ये कौन सा कैलिपर है मेरे पास, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे पास इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर यानी कि देखिए, इनसाइड का मतलब क्या है, अंदरूनी माप लेने के लिए, किसी ग्रुप की माप लेने के लिए हम किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का। और जो इसकी ये लेग होती है, टांग, ये किधर की मुड़ी होंगी, ये बाहर की ओर मुड़ी होंगी। देखिए जिस तरीके से मुड़ी हुई है बाहर की ओर, तो हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इनसाइड का, बाह्य किसी जॉब का, बाह्य माप लेने में या किसी ग्रुप की माप लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, इनसाइड कैलिपर का। कैसे करेंगे, इसकी ये ग्रुप कटा हुआ है, इसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का। ये इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, इसके द्वारा माप ले लेंगे। ठीक है, और इसके द्वारा जो हम मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो हम कैलिपर के द्वारा माप लेते हैं, कौन सी माप कहलाती है, वो हमारी अप्रत्यक्ष माप कहलाती है। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जेनी कैलिपर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, जेनी कैलिपर है। ठीक है, इसकी एक टांग कैसी होती है, सीधी होती है, नोकदार, और ये दूसरी जो टांग होती है क्या होती है, 90 डिग्री पे मुड़ी होती है। और ये जो पूछ लिया जाता है कि कितनी एमएम मुड़ी होती है, ये 5 mm मुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या किया जाता है, किसी गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए, या फिर किसी जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए, ये मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इस तरीके से कोई भी हम माप भर लेंगे स्टील रूल की सहायता से। फिर जैसे मान लीजिए जॉब है हमारे पास, तो क्या करेंगे, उस पर इस तरीके से हम लाइनें खींच लेंगे उस पर। ठीक है, ये मेरे पास एक डिवाइडर है, डिवाइडर की दोनों टांगें कैसी होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं। ठीक है, ये डिवाइडर है, डिवाइडर की दोनों लेग्स कैसी होती हैं, सीधी होती हैं। डिवाइडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी जॉब पर वृत्त खींचने या चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे कैलिपर के बारे में। देखिए कैलिपर में जो पार्ट्स होते हैं, इसके मैं पार्ट्स बता रहा हूँ, ये क्या होता है, ये इसका रिंग स्प्रिंग बोलते हैं इसको, एडजस्टिंग नट हो गया ये इसका, ये इसकी लेग हो गई, और जो ये होते हैं इसके पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। ठीक, और इसमें जो साइज लिया जाता है इसका, रिवेट के सेंटर से लेग के पॉइंट तक जो लिया जाता है, जो दूरी ली जाती है, बीच की जो दूरी होती है, वो क्या कहलाता है, इसका साइज कहलाता है। ठीक है।